हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, वेनस रेमेडीज की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सोलिडेटेड कवर करेंगे, करोड़ में नंबर्स है। इनकम है 145.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 170.7 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 120.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस हुआ है 137.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 156.4 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 116 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंस डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस कंपनी का 7.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 4.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 6.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में अगर देखा जाए इस बार का प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट 6.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 3 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 5.13 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम प्रॉफिट में डाउन है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 133.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 173 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 113 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस हुआ है 124.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 163.2 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 109 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 10.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। टैक्सेस बहुत कम पे करना पड़ा, इसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया है। नेट प्रॉफिट 8.1 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5.4 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 2.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 6.13 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम दोनों में डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम जो है स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों में डाउन है, लेकिन स्टैंड अलोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ है, लेकिन स्टैंड कंसोलिडेटेड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट इनकम दोनों में इंक्रीज किया। तो गाइस, कह सकते हैं कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक एवरेज रिजल्ट पेश किया। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।